पिटबुल वर्सेस डोगो अर्जेंटिनो, कौन सबसे ज्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है? इस वीडियो के टॉपिक कुछ ऐसे। फर्स्ट टॉपिक, ह्यूमन किल्ड इन वन ईयर। सेकंड टॉपिक, डॉग किल्ड इन वन ईयर। थर्ड टॉपिक, वाइल्ड एनिमल किल इन वन ईयर। फोर्थ टॉपिक, बैन इन कंट्री। फिफ्थ टॉपिक, फर्स्ट अटैक। सिक्स्थ टॉपिक, अग्रेशन। सेवंथ टॉपिक, बाइट फोर्स। एट टॉपिक, स्पेशल टेक्निक। नाइन्थ टॉपिक, हाइट। 10th टॉपिक, वेट। 11th टॉपिक, अटैकिंग। 12th टॉपिक, डिफेंस। 13th टॉपिक, कोट। 14th टॉपिक, स्ट्रेंथ। 15th टॉपिक, मोबिलिटी। 16th टॉपिक, ओबिडेंस। तो इससे हमें पता चलेगा कि डोगो अर्जेंटिनो वर्सेस पिटबुल, तो इनमें से कौन सबसे ज्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। आप में से बहुत लोग चाहते कि वो भी एक डॉग ट्रेनर बने, लेकिन सबको लगता है कि डॉग ट्रेनिंग तो मतलब डॉग ट्रेनिंग का जो कोर्स है वो बहुत महंगा आता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में दबा दोगे तो एक कोर्स है। वो कोर्स अगर आप कर लोगे तो आप डॉग के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो और आप उसे एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हो। और जो ये कोर्स है इसमें सबसे ज़्यादा अग्रेसिव डॉग को कंट्रोल करना भी सिखाया गया है। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर लिंक है, उस लिंक में दबा के ये कोर्स को परचेज कर लेना है। मैं पर्सनली ये कोर्स को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी डॉग ट्रेनर बनना है और फिर महीने के 20,000 से लेकर 40,000 रुपये तक कमाना है, वो भी महीने के। अब आप सोच सकते हो कि एक डॉग मतलब अपन एक डॉग को 3 या 4 महीने तक ट्रेनिंग देते तो अपन कितना कमाएंगे। चलिए चलते वीडियो में, पिटबुल वर्सेस डोगो अर्जेंटिनो, कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है। नंबर वन, ह्यूमन किल्ड इन वन ईयर। पिटबुल ने एक साल के अंदर 66 लोगों की जान ली है, वहीं डोगो अर्जेंटिनो ने एक साल के अंदर 5 लोगों की जान ली है। नंबर टू, डॉग किल्ड बाय बोथ एनिमल। तो पिटबुल ने यहाँ पर 2005 से लेकर 2017 के अंदर 284 डॉग्स की जान ली है, वहीं डोगो अर्जेंटिनो ने 2010 से लेकर 2018 के बीच में 70 डॉग की जान ली है। नंबर थ्री, वाइल्ड एनिमल अटैक बाय बोथ डॉग ब्रीड। तो यहाँ पर पिटबुल ने फॉक्स से लड़ गया था, एक बार वुल्फ से लड़ गया था और उनसे जीता भी था। डोगो अर्जेंटिनो ने एक बार पूमा से लड़ा था और एक बार लेपर्ड से लड़ा था, लेकिन उनसे वो जीता नहीं था, उनको भगाया था लेकिन जीता नहीं था। तो यहाँ पर डोगो अर्जेंटिनो इन्होंने किसी वाइल्ड एनिमल की जान अभी तक तो नहीं ली है। नंबर फोर, बैन इन कंट्री। तो यहाँ पर पिटबुल न्यूजीलैंड, ब्राजील, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड, नॉर्वे, इन कंट्री में बैन है। वहीं डोगो अर्जेंटिनो यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, टर्की, डेनमार्क एंड नॉर्वे में बैन है। नंबर सिक्स, फर्स्ट अटैक। तो यहाँ पर डोगो अर्जेंटिनो पहले अटैक करेगा। नंबर सेवन, अग्रेशन। यहाँ पर डोगो अर्जेंटिनो का अग्रेशन लेवल हाई है, पिटबुल का अग्रेशन लेवल हाई है, तो इस पॉइंट में होता है टाई। नंबर एट, बाइट फोर्स। बाइट फोर्स यहाँ पर पिटबुल का 235 पाउंड है, यहाँ पर डोगो अर्जेंटिनो का बाइट फोर्स 500 पाउंड है। नंबर नाइन, स्पेशल टेक्निक। स्पेशल टेक्निक है पिटबुल की, वो सामने वाले एनिमी के गले में अटैक करता है। डोगो अर्जेंटिनो की स्पेशल टेक्निक है कि वो फियरलेस होता है, उसके सामने वाइल्ड एनिमल आ जाए तब भी वो उससे लड़ लेगा। नंबर 10, हाइट। यहाँ पर पिटबुल की हाइट है 45 सेंटीमीटर से 53 सेंटीमीटर, डोगो अर्जेंटिनो की हाइट है 60 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर। नंबर 11, वेट। यहाँ पर पिटबुल का वेट है 16 किलो से 30 किलो तक, यहाँ पर डोगो अर्जेंटिनो का वेट है 40 किलो से 45 किलो तक। नंबर 13, अटैकिंग। यहाँ पर पिटबुल की अटैकिंग ये है कि वो सामने वाले एनिमी के गले में अटैक करता है, और यहाँ पर जो डोगो अर्जेंटिनो है वो सामने वाले पर डायरेक्ट अटैक करता है और पावरफुल अटैक करता है। नंबर 14, डिफेंस। तो यहाँ पर पिटबुल का कोई खास डिफेंस तो नहीं है और यहाँ पर डोगो अर्जेंटिनो का भी कोई खास डिफेंस नहीं है। नंबर 14, कोट। तो यहाँ पर पिटबुल का जो कोट है वो स्मूथ कोट है और यहाँ पर जो डोगो अर्जेंटिनो का कोट है वो भी स्मूथ कोट है। नंबर 15, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो डोगो अर्जेंटिनो का स्ट्रेंथ है वो पिटबुल से ज़्यादा है।
नंबर 16 मोबिलिटी। तो यहाँ पर पिटबुल की जो मोबिलिटी मतलब जो क्विक रिस्पॉन्स है तो वो पिटबुल का ज़्यादा है। नंबर 17 ओबिडेंस। तो यहाँ पर जो डोगो अर्जेंटिनो का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना क्योंकि रक्षा करना वो पिटबुल से ज़्यादा है। तो इस पॉइंट का विनर है डोगो अर्जेंटिनो। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिटबुल वर्सेस डोगो अर्जेंटिनो कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है। इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। तो मैं आपको बताऊं तो डोगो अर्जेंटिनो पिटबुल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और डेंजरस डॉग ब्रीड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अपने दोस्तों में शेयर करो और उन्हें वीडियो दिखाओ कि पिटबुल वर्सेज डोगो अर्जेंटिनो कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है। अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखाओ उन्हें शेयर करके, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। कमेंट करके मुझे नेक्स्ट फाइट बताना कि आपको नेक्स्ट फाइट किसकी देखनी है, कौन से दो डॉग की फाइट देखनी है। और हाँ ये बात याद रखना कि मैं कोई डॉग फाइट प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको बस बता रहा कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन डेंजरस है, कौन पावरफुल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने डॉग का ध्यान रखना।